हेलो गाइस, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गिस और आज हम कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे। आज हम वोकैबुलरी में नए 5 वर्ड्स सीखेंगे जो अगेन इंग्लिश के न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। अगर मैं बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन ये वर्ड्स जो हैं सारे ही इंग्लिश के न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, कोई भी कहीं और से लिया नहीं गया है। सो ये करंट टॉपिक से होते हैं, करंट टॉपिक में जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें से लिए जाते हैं। सो डेफिनेटली ये आपके क्वेश्चन पेपर्स में, चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, रेलवेज का हो, किसी भी पेपर में ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये करंट टॉपिक्स में से है। एट द सेम टाइम ये आपको आपके अनसीन पैसेजेस में भी दिख सकते हैं एंड आप जब इंटरव्यू के लिए बैठोगे तो भी आपको ये वर्ड्स यूज करने पड़ सकते हैं। ऑल राइट, सो हमारा आज का पहला वर्ड है इम्पोजिशन। इम्पोजिशन, नाउ इम्पोजिशन का मतलब है आरोपण। कोई चीज हम जब इम्पोज कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई नया लॉ हो, नए पॉलिसीज हो, उसको हम इम्पोज करते हैं, उसको हम इम्पोजिशन करते हैं, विच सिंपली मीन्स कि हम उसको इन एक्शन ला रहे हैं। तो उसको इम्पोजिशन को हम हिंदी में बोलते हैं आरोपण। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स हैं इन्फ्लिक्शन, एप्लीकेशन, डिमांड। ये आपके हैं सिनोनिम्स, इन्फ्लिक्शन, एप्लीकेशन एंड डिमांड, जिसमें से इन्फ्लिक्शन आपका एक नया वर्ड है। एप्लीकेशन सुना जरूर होगा, जल्दी यूज नहीं करते हैं। डिमांड तो बहुत ही कॉमन वर्ड है। ऑल राइट, इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे ऑनेस्टी, एब्सोल्व, एड। ये आपके एंटोनिम्स हैं ऑनेस्टी, एब्सोल्व एंड एड, जिसमें से एड एक नया वर्ड है, कॉमन है, सुना जरूर होगा, यूज नहीं करते। एब्सोल्व एक दूसरा वर्ड है जो कॉमन तो उतना नहीं है, लेकिन हम लोग को ये वर्ड पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत कॉमनली ऐसे फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है। ओके, सो सिनोनिम्स हैं आपके इन्फ्लिक्शन, एप्लीकेशन, डिमांड। एंटोनिम्स हैं ऑनेस्टी, एब्सोल्व एंड एड। इसका एग्जाम्पल हो सकता है द इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस ऑन बुक्स हैज राइज्ड द प्राइजेस। द इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस on books has raised the prices. Okay, now the next word is proponent. Proponent, proponent का मतलब है प्रस्तावक। प्रोपोनेंट का मतलब है जब कोई इंसान किसी कोर्स को या किसी एक्शन को सपोर्ट करे तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोनेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावक। सो प्रोपोनेंट के सिनोनिम्स क्या होंगे? प्रोपोनेंट के सिनोनिम्स हैं एडवोकेट, प्रोमोटर, एडवोकेट, प्रोमोटर एंड सपोर्टर। ये आपके सिनोनिम्स हैं प्रोपोनेंट के। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स हैं ओपोनेंट, एनिमी एंड फो। फो ये आपके एंटोनिम्स हैं ऑफ प्रोपोनेंट, जिसमें से ओपोनेंट एक नया वर्ड है, फो एक नया वर्ड है, एडवोकेट पता है, सपोर्टर पता है, प्रोमोटर पता है। तो ये आपके नए वर्ड्स हैं एंड इसके सिनोनिम्स हैं एडवोकेट, प्रोमोटर, सपोर्टर। एंटोनिम्स हैं ओपोनेंट, एनिमी एंड फो। इसका एग्जाम्पल है
he is a long time proponent of fixed point arithmetic. He is a long time proponent, supporter, promoter of fixed time arithmetic. Okay, आपका next word होगा implement. इम्प्लीमेंट का मतलब है कार्यान्वित. इम्प्लीमेंट का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसको हम जब ऑफिशियली यूज करना शुरू करते हैं, एक्शन में लाना शुरू करते हैं, तब इसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंट. राइट, इम्प्लीमेंट का हिंदी में मतलब है कार्यान्वित. अब इसके सिनोनिम्स होंगे आपके कैरी आउट, अप्लाई, enforce. ये आपके हो गए synonyms. Carry out, apply, enforce. Antonyms होंगे आपके cancel, cease, exempt. Cancel, cease, exempt. So, ये आपके एंटोनिम्स हैं जिसमें से आपका सीज एंड एग्जेम्प्ट न्यू वर्ड्स है, कैरी आउट अप्लाई इनफोर्स एक नया वर्ड है ना. तो सिनोनिम्स में आपका इनफोर्स एक नया वर्ड है और एंटोनिम्स में आपका सीज एंड एग्जेम्प्ट एक नया वर्ड है. आप लोग प्लीज इसको कॉपीज में लिख लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे, आप इनको याद कर पाओगे, आप इनको यूज कर पाओगे अपने इंग्लिश में. सो ये आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. आपका एग्जाम्पल हो सकता है दे the government has accept the government has implemented the following rules. The government has implemented the following rules. Okay, and अगर आपने अभी तक लिखना शुरू नहीं किया है तो आप प्लीज वीडियो वापस से देखिएगा और आप इसको लिखिएगा, बिकॉज अगर आप नहीं लिखोगे सो फिर आप जो ये सुन भी रहे हो, आप वीडियो देख भी रहे हो, आप देख रहे हो, उसके बाद आप भूल जाओगे एंड फिर आप कोई काम का नहीं रहेगा, ये आपके किसी भी यूज में नहीं रहेगा. ओके, सो आपका नेक्स्ट वर्ड है एंश्योर. एंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना. एंश्योर का मतलब है कि किसी चीज़ को श्योर करना, पक्का करना कि हाँ सो ऐसी चीज़ हो रही है या सो एंड सो चीज़ें हो रही हैं. राइट, तो उसको हम इंश्योर बोलते हैं. अब इसके सिनोनिम्स में मैंने आपको एक चीज़ ऑलरेडी बोल दी, श्योर करना है ना, तो हम उसको इंग्लिश में लिखेंगे मेक श्योर. नेक्स्ट वर्ड इज अश्योर. अश्योर एक नया वर्ड है. मेक श्योर, अश्योर एंड सिक्योर. सिक्योर भी एक नया वर्ड है, सुना जरूर होगा लेकिन यूज नहीं करते जल्दी. सो लिख लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए. आपके एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे गैम्बल, गिव परमिशन, गैम्बल एक नया वर्ड है, गिव परमिशन पता है, एंड नेक्स्ट इज अप्लाई प्रेशर. अप्लाई प्रेशर ये आपके हो जाएंगे एंटोनिम्स, जिसमें से गैम्बल एक नया वर्ड है, अप्लाई प्रेशर और इंश्योर तो हम सभी जानते हैं. ओके, सो इसके सिनोनिम्स एग्जाम्पल हो सकता है द टीचर इंश्योर्ड दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैड देयर Tiffins. The teacher ensured that all the students had their tiffin. Okay. Aapka next word hai emphasis. Emphasis. Emphasis ka matlab hai bal. Theek hai? Kisi cheez ko importance dena aur usko उसके कोर्स ऑफ एक्शन तक उसका एक्शन कंप्लीट करवाना, उसको हम बोलते हैं एम्फेसिस.
इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? एम्फसिस, और इसका मतलब है बल. सो इसके सिनोनिम्स हैं आपके फोकस, स्ट्रेस, अटेंशन. फोकस, स्ट्रेस, अटेंशन, ये सारे ही सिनोनिम्स हैं और ये सब बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं. फोकस आप यूज़ नहीं करते होगे, स्ट्रेस तो यूज़ करते हैं, अटेंशन भी पता ही है. सो इसमें कोई भी ऐसे सिनोनिम नहीं है जो आपको नहीं पता. एंटोनिम्स हैं आपके इसके अनइम्पॉर्टेंस, वीकनेस, इनसिग्निफिकेंस. ये आपके एंटोनिम्स हैं जिसमें से इनसिग्निफिकेंस जल्दी यूज नहीं करते हैं. इनसिग्निफिकेंस यूज नहीं करते, अनइम्पॉर्टेंस भी पता है, वीकनेस भी पता है, फोकस, स्ट्रेस एंड अटेंशन. तो ये आपके थे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ एम्फेसिस. अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है The teacher put emphasis on the following topics. Okay. तो ये थे आज के आपके पांच वर्ड, जिसका पहला वर्ड है इम्पोजिशन, सेकेंड वर्ड है आपका प्रोपोनेंट, थर्ड वर्ड है इंश्योर, फोर्थ वर्ड है एम्फेसिस, एक और वर्ड है इम्प्लीमेंट. ये आपके आज के फाइव वर्ड्स हैं. आप प्लीज इनको कॉपीज में लिख लीजिए, इनके वर्ड मीनिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स लिख लीजिए और प्रैक्टिस करिए. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये वर्ड्स याद नहीं होंगी और ये वर्ड्स आप यूज नहीं कर पाओगे जैसे हमको इनको यूज करना होता है इन अ फ्लो. कि आप जब आप इंटरव्यू में बैठे हैं या पैनल के सामने बात कर रहे हैं तो उनको ये फील ना हो कि ये सोच सोच के बोल रहे हैं, इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी बैठ जाए. एंड इंग्लिश में फ्लुएंसी बैठने में टाइम लगती है. डेफिनेटली एक महीने के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप फ्लुएंट नहीं हो पाओगे जल्दी, है ना. उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. तो अगर तक अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ आप स्टार्ट कर दीजिए प्रैक्टिस करना, और जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे उतना ही अच्छा होगा. थैंक यू सो मच.